हे फूडीज, दिस इज संध्या। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ डोसा इडली बैटर। रेस्टोरेंट जैसा डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए अच्छे से फर्मेंट किया गया बैटर। इस वीडियो में हम जानेंगे राइस और दाल कौन से लेने हैं, इसे किस रेशियो में लेना है, राइस और दाल को अलग क्यों सोक करके रखना है और कितनी देर तक रखना है, बैटर को फर्मेंट होने के लिए कितनी देर तक रखना है और इसे कैसे रखना है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। डोसा बैटर बनाने के लिए हमने जो रेशियो लिया है वो है 1:4, यानी 1 कप दाल और 4 कप राइस का। इडली राइस किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में आपको ईजिली मिल जाएंगे। एक बोल में हमें लेना है 4 कप इडली राइस। इडली राइस शॉर्ट ग्रेन वैरायटी के होते हैं, पारबोल राइस होते हैं। आप इसके प्लेस पे पारबोल सोना मसूरी भी ले सकते हैं या कोई रेगुलर राइस भी ले सकते हैं, बट बासमती राइस को अवॉइड करें। और एक अलग बोल में हमें लेना है 1 कप गोटा उड़द। आप स्प्लिट उड़द भी ले सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून ऑफ मेथी सीड्स। मेथी सीड्स फर्मेंटेशन में हेल्प करता है और इससे डोसा ब्राउन कलर का बनता है। हम राइस और दाल अलग सोक करके रखेंगे क्योंकि दाल और राइस के अलग टेक्सचर होते हैं। हमें इडली बनाने के लिए जो दाल चाहिए वो नरम और फूले हुए चाहिए। अगर हम इडली और राइस को एक साथ सोक करके एक साथ ग्राइंड करेंगे तो वो नरम और प्लफी टेक्सचर हमें नहीं मिलेंगे। अगर आप सिर्फ डोसा बनाने जा रहे हैं तो आप एक साथ सोक करके एक साथ ग्राइंड कर सकते हैं। राइस और दाल को हमें 3-4 बार पानी से साफ करना है और इसे सोक करके रखना है 5 से 6 घंटों के लिए। 5 घंटे बाद हमें दाल का वाटर ड्रेन करना है और इसे एक ब्लेंडर में ऐड करना है और इसे ब्लेंड कर देंगे। इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। और इस दाल के पेस्ट को हम एक कंटेनर में निकाल लेंगे। ऐसे ही राइस का वाटर ड्रेन करेंगे और इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे और इसे सेम कंटेनर में हम ट्रांसफर कर देंगे। बैटर होना चाहिए नाइस फ्लोइंग कंसिस्टेंसी। अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। मिक्सिंग प्रोसेस यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे फर्मेंटेशन अच्छा होता है। तो आप हाथ क्लीन कर लीजिए और एक बार अपने हाथ से भी इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हम इस बैटर को कर देंगे कवर। कवर करने के लिए जो लिड होना चाहिए वो बिल्कुल लूज होना चाहिए, एयर टाइट लिड यूज़ नहीं करेंगे। द बैटर नीड्स वॉर्म प्लेस इन ऑर्डर टू फर्मेंट। तो अगर आप गर्म जगह पे रहते हैं तो इस बैटर को आप अपने किचन काउंटर पे रख दीजिए, ये फर्मेंट हो जाएगा। और अगर आप ठंड जगह पे रहते हैं तो इस बैटर को आप अपने ओवन में रख सकते हैं विद द लाइट ऑन। वॉर्म प्लेस पे ये फर्मेंट होने में 7 से 8 घंटे लेता है और ठंड वाली जगह पे ये बैटर फर्मेंट होने में 12 से 13 घंटे लेता है। 12 घंटे के बाद हम डोसा बैटर ओवन से निकाल लेंगे। ये बैटर वॉल्यूम में इंक्रीज़ हो गया है और इसमें हम बबल्स भी देख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप डोसा बैटर को थोड़ी और देर के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ सकते हैं। फर्मेंटेड डोसा बैटर को 1 वीक के लिए हम फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी डोसा या इडली बनाना है एक बोल में बैटर निकाल लें, सॉल्ट ऐड करें और यूज़ करें। यहाँ पर मैंने डोसा बनाने के लिए बैटर लिया है, इसमें मैंने ऐड किया है सॉल्ट और ब्लैक पेपर। इसे हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। और यहाँ पे मैंने इडली बनाने के लिए बैटर निकाला है, इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे हम मिक्स कर देंगे। इडली का बैटर कंसिस्टेंसी में थोड़ा थिक होना चाहिए। अब हम बनाएंगे डोसा। डोसा बनाने के लिए हम आयरन पैन का यूज़ करेंगे। हमारा फ्लेम होगा मीडियम लो और इस तरीके से हम बैटर को स्प्रेड कर लेंगे। डोसा बनाने के लिए फ्लेम मीडियम पे ही रखें
थोड़ी देर पकने देंगे और यह हमारा डोसा लाइट ब्राउन का हो रहा है। इसे हम एक मिनट के लिए कवर कर देंगे, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे ही रखेंगे। कवर हटा देंगे और थोड़ी देर और पकने देंगे। हमारा डोसा रेडी है विद अ परफेक्ट लाइट ब्राउन कलर एंड द क्रिस्पीनेस। इसे हम पैन से अब हटा लेंगे। डोसा और इडली सॉफ्ट के लिए रेडी है। आप इस तरीके से डोसा ज़रूर बनाएं और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जब बन जाए घर में इतना टेस्टी खाना तो बाहर से क्यों मंगाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।